नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर स्वाति पाल, कंसल्टेंट एंड फिजिशियन एट बी क्लिनिक कानपुर। आज मैं आप लोगों से अपनी क्लिनिक द्वारा ठीक हुए पेशेंट का फीडबैक कॉल शेयर करूँगी। हेलो। हाँ जी, मुकेश पांडे जी। हाँ सर, मैडम नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। जैसे आपने हमारे यहाँ से इलाज लिया है ना बी क्लिनिक से, अच्छा मैडम, तो आपको अभी कितने प्रतिशत तक आराम महसूस हो रहा है अपनी समस्या में? मैडम आराम तो आराम ही है, आराम से बड़ा इशू रहता है कि बहुत फुंसी का रहता है। फुंसी बीच में 20-25 दिन बंद हो गई थी फुंसी बनना, फिर उसके बाद क्या है कि आज मैडम हो जाता है, 5-6 दिन हुए तब से नहीं हुई है। आपसे कभी जब कल ही बात हुई थी ना आपसे शायद, कहा था 8 से 10 दिन से नहीं बनी है फुंसी आपको। वो कंटिन्यूस करते रहना है आपको, है ना? सुबह शाम करते रहना, ठीक ठीक, वो आपको मेंटेन करके रखना है ना। अच्छा, जैसे टोटल जो भी समस्या थी अभी आप उसमें कितने प्रतिशत तक आराम महसूस कर पा रहे हैं? टोटल क्या ना, टोटल वैसे कहा जाए तो पूरे ठीक हूँ, नहीं कहा जाए तो आप बर्फ से उसको करते रहिएगा, उससे काफी रिलीफ है। सुबह शाम में बर्फ शिकायत करते रहा, उससे जो ये जो बार बार जो परेशानी होती थी बार फुंसी बन जाती थी, फुंसी नहीं बनेगा। ठीक ठीक, बहुत अच्छी बात है, है ना। अपना ध्यान रखिएगा और जो खाने पीने पे विशेष ध्यान दीजिएगा। यदि आपको भी पाइस फिसल फिशुला जैसी किसी भी बीमारी संबंधित कोई भी परेशानी हो रही है, जैसे कि आपका पेट साफ नहीं होता, लैट्रिन के दौरान आपके रेक्टम एरिया में कट लग जाता है जिसकी वजह से आपको दर्द घंटों तक बना रहता है, या फिर लैट्रिन के साथ में खून आ रहा है, या फिर लैट्रिन के रास्ते से आपको कभी कभी मवाद आने लगता है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमसे उचित परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद।